वेल जनाब, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक, क्योंकि मेरी पहली वीडियो है जो मैं रमज़ान में शूट कर रहा हूँ। यार, इस बार रमज़ान में प्लान तो ये था कि हम मार्गला में जाके काफ़ी सारी इफ्तारियाँ करेंगे, क्योंकि इफ्तारी का सीन वहाँ पे इतने कमाल का होता है यार। जैसे ही आप इफ्तारी करते हैं, उसके बाद पूरे इस्लामाबाद की जो लाइट्स हैं वो आपको नज़र आती हैं। बहुत ही कमाल का सीन है यार वहाँ पर। लेकिन अभी ये प्लान जो है वो थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी लाहौर जाना पड़ रहा है। अभी 2 या 3 महीने मैं लाहौर में गुजार के आया हूँ। हार्डली अभी 1 महीना हुआ है मैं वापस आया था, और अभी फिर लाहौर जाना पड़ रहा है एक असाइनमेंट के लिए। यार, मैंने एक चीज़ देखी है, अब ज़िंदगी में जिस चीज़ से जितना भागो वो चीज़ आपको उतनी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अब लाहौर जाने से मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे जाना पड़ेगा। एक बात है, लाहौर शहर की वाइब इतने कमाल की है यार। लाहौर जैसा शहर मैंने अभी तक नहीं देखा। इतने कमाल के लोग हैं वहाँ के, ज़बरदस्त यार। लाहौर एक ऐसा शहर है जहाँ पे जाके मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा बोर हो सकता है। कमाल की जगह है। अभी सारी पैकिंग मुझे कंप्लीट करनी है, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ भी पैक नहीं किया। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है और सैरी भी है, तो सैरी से पहले पहले सारी पैकिंग मैं कर लेता हूँ कंप्लीट, ताकि फिर सैरी करके हम थोड़ी देर सो जाएँ और उसके बाद फिर उठ के लाहौर के लिए निकलेंगे। काफ़ी टाइम से मैं ये चीज़ मिस कर रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था कि हमने ऐसे बैठ के वन ऑन वन बात नहीं की थी। और लिटरली मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है ऐसे वन ऑन वन बात करने में, तो आज काफ़ी टाइम के बाद हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। कमरे में सारा सामान मेरा बिखरा हुआ पड़ा है। ये कुछ चीज़ें हैं, खैर इनके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। इस साइड पे मेरी वॉच चार्ज हो रही है। शलवार कमीज़, क्योंकि रमज़ान है तो डेफिनेटली शलवार कमीज़ें तो ज़रूरत पड़ेंगी। कुछ फॉर्मल शर्ट्स हैं। ये मेरे लैपटॉप का बैग। इस साइड पे कुछ पैंट्स हैं, और लैपटॉप भी अभी पैक करना है। तो सारा सामान करते हैं जल्दी से पैक, ताकि सुबह हम सुकून से निकल सकें। एक प्रो टिप देता हूँ, जब भी आप पैकिंग करें पैंट्स को हमेशा रोल शेप में पैक करें। इससे एक तो ये स्पेस बहुत कम लेंगी और काफ़ी हैंडी रहता है। आई गेस मैंने भी ये हैक किसी वीडियो में ही देखा था। वेल जनाब, फैसल मोड़ के टर्मिनल पे मैं पहुंच गया हूँ, और अच्छी बात यह है कि मैं और उस्मान दोनों ऑन टाइम हैं। ये भी बिल्कुल टाइम पे पहुंचा, और मैं भी अभी टिकट परचेज कर लिए हैं और वेट कर रहे हैं बस का। 9:15 बजे की हमारी टिकट है, तो अभी तकरीबन 5 मिनट हैं हमारे पास। उतनी देर मैंने कहा यार एक इंट्रो कर ले, तो अभी बस में चलते हैं। और आज फैसल मूवर्स का भी फुल रिव्यू दूंगा कि बिज़नेस क्लास इनकी कैसी है। हार्डली आधे घंटे का भी हमने सफ़र किया है, और फर्स्ट टर्मिनल फैसल मूवर्स का मोटरवे के बिल्कुल स्टार्ट में ही है। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, 5 to 10 मिनट्स की ब्रेक है, और उसके बाद फिर हम लोग अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कितनी देर में लाहौर पहुँचाएँगे? 4 घंटे 15 मिनट। 4 घंटे में पूरे पहुँच जाएंगे? और अभी यहाँ से कितनी देर में चलेंगे? 10 मिनट के बाद निकल रहे। 10 मिनट मतलब 10 मिनट ही? ओके यार, थैंक यू। हमारे जो ड्राइवर अंकल हैं वो बहुत ही गुड बंदे हैं यार। अभी थोड़ी गपशप हुई है इनसे, कमाल के बंदे हैं। बस अभी चलने लगी है, तो अंदर चलते हैं। वो सामने अपनी बस खड़ी है। डेरा में भी हम लोगों ने एक स्टॉप लिया है, और आज ये जगह इतनी डेड लग रही है क्योंकि रमज़ान है। नॉर्मली यहाँ पे हो तो इतना रशी होता है सब कुछ, काफ़ी यहाँ पे वाइब होती है, लेकिन रमज़ान की वजह से सब कुछ बंद है, तो ये जगह बिल्कुल डेड है। 5 मिनट की भी ब्रेक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे वापस निकलेंगे। लाहौर के ट्रिप में मेरे साथ उस्मान जा रहा है, और नींद से इसकी हालत बिल्कुल टाइट है। लाहौर में जब भी गया हूँ तो मैं काफ़ी लकी रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो ऑलरेडी लाहौर में रहा होता है या लाहौर को जानता है। लास्ट ट्रिप में मेरे साथ नुमान था, और उसको लाहौर का सब पता था। और इस ट्रिप में भी उस्मान मेरे साथ है, और ये भी पहले लाहौर में काफ़ी अरसा रहा हुआ है। 10 मिनट की ब्रेक थी, और टाइम हो गया, और वापस चलते हैं बस में, और फिर आगे लाहौर की तरफ सफ़र करते हैं अपना स्टार्ट।
यार ये फैसल मोर की बिज़नेस क्लास है और काफ़ी अच्छी है, ये सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और हर सीट के साथ आपको एक स्क्रीन मिलती है। एंड यू नो व्हाट इज़ द बेस्ट पार्ट, हर सीट के साथ एक लेवर है जिसको आप पुल करते हैं तो सीट बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, और ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। वेल जनाब, फाइनली भाई आपका लाहौर पहुँच गया, और आने के बाद इतने हम लोग थक गए थे कि यार थोड़ी देर हमने रेस्ट किया है, तो अब हम लोग काफ़ी फ्रेश हैं। अभी मैं इस टाइम गुलबर्ग में मौजूद हूँ, और जो मेरा सारा स्टे है वो गुलबर्ग में ही होने वाला है। यार लाहौर जब मैं आ रहा था तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे काफ़ी गर्मी होगी, लेकिन लकीली मौसम काफ़ी अच्छा है, रमज़ान की भी बरकत है तो मौसम यहाँ पे काफ़ी अच्छा हुआ है। एक दो दिन से यहाँ पे बारिश भी हो रही थी तो अभी बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। तो अभी रेस्ट करके हम लोग फ्रेश हो गए हैं, रूम टूर मैं आपको देता हूँ। कमाल का रूम मिला यार हम लोगों को, और अभी मैं आप लोगों को भी चेकआउट करवाता हूँ। फैसल मोड़ से मैं लाहौर पहुँचा हूँ, और ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बसेस काफ़ी अच्छी हैं, बिजनेस क्लास मैं तो रिकमेंड करता हूँ बेस्ट टाइम की। इंटर होते ही सबसे पहले हमारा ये ड्राइंग रूम है, अगर आपके कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनको आप यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं। कुछ सोफाज हैं, इस साइड पर चेयर्स हैं, और इस साइड पर हमारे पास एक अलमारी दी हुई है। बहुत मिनिमल सा सेटअप है लेकिन काफ़ी डिसेंट है और अच्छा है, और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो अपना खाना वगैरह है वो भी सारा यहाँ पे ही करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ट पार्ट। ये हमारा बेडरूम है, और बेडरूम पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। इस सेटअप की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि इसका ड्राइंग रूम सेपरेट है और इसका बेडरूम सेपरेट है, तो अगर आपके गेस्ट वगैरह आते हैं तो बाहर इजीली आप उनको अकोमोडेट कर सकते हैं, और ये आपकी पर्सनल स्पेस बिल्कुल सेपरेट है। किसी भी रूम में आने के बाद सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होती है बेड टेस्ट, और बेड इसका काफ़ी कम्फी है। बेड के साथ दो साइड टेबल्स हैं, उन पर लैंप्स हैं, उस साइड पर हमारे पास एक ड्रेसिंग टेबल है, इस साइड पर हमारी LCD है, और ये एज अ होम थिएटर यूज़ हो सकती है। बाकी रूम की वाइब बहुत कुजी है यार, और जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक तो आपने ये सीन देखा है, लेकिन जो पर्सनली मुझे चीज़ पसंद है वो मैं अभी चेक करवाता हूँ। नॉर्मली तो ऐसी वाइब है इस रूम की, लेकिन अभी जो मेरी फेवरेट वाइब है वो आप चेक करें। मुझे रूम ऐसे पसंद है, फुल डार्क, और सिर्फ आपके जो साइड लैम्प्स हैं वो चल रहे हों। ये वाइब बहुत ही कमाल की है, और पर्सनली मेरी फेवरेट भी है। तो रूम टूर मैंने आपको दे दी है, अभी टाइम हो रहा है अफ्तारी का, तो अभी जो अफ्तारी का सीन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने अफ्तारी ऑर्डर कर दी है, बस थोड़ी देर में आने वाली है, तो अफ्तारी आती है तो फिर अफ्तारी साथ मिलके करते हैं। दिख 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 दिख